तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में एक सर्कुलर जारी हुआ है। इसमें यूपी में इस साल मुहर्रम पर जुलूस नहीं निकालने का निर्देश दिया गया है। गाइडलाइंस या सर्कुलर सामने आने के बाद अब इन पर हंगामा शुरू हो गया है। शिया धर्मगुरु गाइडलाइंस में लिखी बातों पर आपत्ति जता रहे हैं। वह यूपी पुलिस का कहना है कि जारी सर्कुलर कुछ विवादित या नया नहीं जोड़ा गया है। बता दें कि शिया समुदाय मुहर्रम के 68 दिनों में शौक मनाता है। मुहर्रम के 10वें तारीख को ताजिया निकाला जाता है। इस पर ताजिया 19 जुलाई को निकालना था, जिस पर पाबंदी लगाई दी गई है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के एक पॉइंट पर मुख्य तौर पर शिया धर्मगुरु ने आपत्ति जताई है। गाइडलाइंस के चौथे पॉइंट के एक हिस्से में लिखा है, पुराने लंबित धार्मिक एवं सांप्रदायिक प्रकरणों तथा ऐसे नए उठने वाले विवादों, अपरंपरागत धार्मिक जुलूसों एवं कार्यों, यौन संबंधी घटनाओं, गोवंश व्यय, परिवहन आदि घटनाओं को लेकर पूर्व में अनेक अवसरों पर सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित होता रहा है। उस वक्त के लिए दृष्टिगत विशेष सतर्कता उपेक्षित है। गाइडलाइंस शिया के ऊपर झूठे आरोपों का पुलिंदा है। लिखा है कि मुहर्रम में रेप होते हैं, गाय काटी जाती है, क्या यह सब कोविड गाइडलाइन है? मौलाना कलबे जवाब ने आरोप लगाया है कि ऐसा करके सिर्फ शिया सुन्नी बल्कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खराब करने की कोशिश हुई है। वह बोले, यह गालियों भरा खत है जिसमें हमारे समुदाय को गाली दी गई है। उन्होंने इस लेटर को, शिया धर्मगुरु मौलाना यासुब अब्बास ने भी इस सर्कुलर को निंदा की है। वर प्रशांत कुमार ने फोन पर आज तक से कहा कि 3-4 साल से यही सर्कुलर जारी हो रहा है, इसमें कोई भी बात नहीं लिखी गई है। आगे कहा गया है कि इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर यह अपने अफसरों को सतर्कता बरतने के लिए जारी किया गया था, जो कि पुलिस विभाग की इंटरनल सर्कुलर है।